आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी हम सभी बेंड ओवर रो करते हैं तो उसमें हमारे जो नमस्ते, आप सभी का रेड जोन फिटनेस चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा वर्कआउट है वो टॉप 6 एक्सरसाइज जो आपके मसल मास को बिल्ड करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। इन 6 एक्सरसाइज को 60% पीपल तो अवॉइड ही कर देते हैं या इनको करते ही नहीं है, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आप सभी को इन 6 एक्सरसाइज की क्या टेक्निक रहती है, इनको कैसे परफॉर्म करना है, मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। अभी तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करें। टॉप 6 एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट पे आती है हमारी स्क्वाड। बहुत सारे जिमों में जो बिगिनर्स होते हैं, जो नया नया जिम ज्वाइन करते हैं, वो क्या करते हैं, हाफ स्क्वाड या पैनल स्क्वाड करते हैं, जो कि बिल्कुल एकदम गलत है। जब भी आप सभी स्क्वाड को परफॉर्म करें तो आपके लेग ना ही ज्यादा वाइड होने चाहिए ना ही आपके ज्यादा नैरो होने चाहिए। आपकी लेग की क्या पोजीशन होनी चाहिए, शोल्डर से हल्का सा बाहर होनी चाहिए और आपके जो टो हैं वो आपके हल्के से बाहर की तरफ मूव होने चाहिए। ये पोजीशन हमारी लेग की होनी चाहिए। इसमें आपका कोर टाइट होना चाहिए, चेस्ट अप होनी चाहिए। टॉप 6 में सेकंड एक्सरसाइज है हमारी डेडलिफ्ट। जब भी सभी आप डेडलिफ्ट को परफॉर्म करते हो, जब भी आप वेट को अप करते हो, तो आप अपने बैक को या तो यू शेप या राउंडिंग शेप में कर लेते हो या अपने हिप को पहले ही अप कर लेते हो। जब भी आप सभी डेडलिफ्ट को परफॉर्म करें तो आपके टो जो रहते हैं वो बार के एकदम जस्ट नीचे होने चाहिए और आपके लेग और आपके शोल्डर एकदम अनचेक्ड एकदम आमने सामने बराबर होने चाहिए। टॉप 6 एक्सरसाइज में थर्ड एक्सरसाइज है हमारी बैंड ओवर रो। जब भी हम सभी बैंड ओवर रो करते हैं, फर्स्ट में जब भी हम वेट को पुल करते हैं, पुल करते टाइम जो जंपिंग करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सेकंड, तो हमारा जिस डायरेक्शन में हमारी पोजीशन होनी चाहिए वो पोजीशन ही नहीं होती है। जब भी हम सभी बैंड ओवर रो करते हैं तो उसमें हमारे जो टोन्स रहते हैं शोल्डर के एकदम सीधे होने चाहिए और हमारे जो नी रहती है वो हल्की सी बैंड होनी चाहिए, बैक का हिस्सा रहता है ये पोजीशन में होना चाहिए। इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, टॉप 6 में फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी स्टैंडिंग ओवरहेड प्रेस। जब भी आप सभी स्टैंडिंग ओवरहेड परफॉर्म करें तो आपको इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट, आपको अपनी ग्रिपिंग ज्यादा वाइड नहीं रखनी है। सेकंड, जब भी आप उस वेट को पुल करते हैं तो आपको जंपिंग करके पुल नहीं करना है। जब भी हम ओवरहेड प्रेस को परफॉर्म करें तो आपकी ग्रिपिंग क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रिपिंग जितने आपका शोल्डर रहता है उसके जस्ट हल्का सा बाहर आपको अपनी ग्रिपिंग रखनी है। इसमें आपका कोर टाइट रहेगा, चेस्ट अप रहेगा। टॉप 6 एक्सरसाइज में फिफ्थ एक्सरसाइज है हमारी बेंच प्रेस। जब भी हम सभी बेंच प्रेस करते हैं ये दो मिस्टेक हमेशा देखी जाती है। सबसे पहली, फर्स्ट, ग्रिपिंग आप बहुत ज़्यादा वाइड रखते हैं, प्लस आपकी जो एल्बो जो रहती है उसका मूवमेंट क्या रहता है, आपका बाहर की तरफ रहता है। और सेकंड मिस्टेक क्या रहती है, जब भी आप बेंच प्रेस परफॉर्म करते हैं, बेंच प्रेस एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके पैर जमीन पे ना रह के आपके बेंच के ऊपर रहते हैं। सबसे पहले आपके हिप और शोल्डर, चेस्ट और कोर तीनों ही टाइट होने, पांव आपके जमीन पे ऐसे जमे होने चाहिए, हिप आपके इंगेज होने चाहिए और बैक बेंच दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, चेस्ट आपकी अप होनी चाहिए, ग्रिपिंग आपकी ना ही ज्यादा वाइड होनी चाहिए ना ही ज्यादा क्लोज होनी चाहिए। अगर क्लोज में करेंगे आपका पूरा लोड कहाँ आएगा, पूरा आपका ट्राइसेप पे, तो आपको क्या करना है, आपको ग्रिपिंग आपके शोल्डर से हल्का बाहर रखनी है और शोल्डर आप हो गए हैं कोर टाइट, चेस्ट अप।
सिक्स एक्सरसाइज में सबसे लास्ट एक्सरसाइज है हमारी बारबेल सर्व्स। बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, अपने शोल्डर को ऐसे ऐसे ये मूवमेंट करते हैं, ये मूवमेंट जो एकदम गलत है, जिससे कि आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको सही और करेक्ट कैसे करना है, कोर टाइट रहेगा, कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी वर्कआउट कीजिए, आपको हर एक्सरसाइज हर वर्कआउट में कोर आपको टाइट रखना ही रखना है, चेस्ट आपको अप रखनी है। सबसे पहले क्या करना रहेगा, कोर टाइट रहेगा, चेस्ट अप रहेगी आपकी, उसके बाद में ये बस वन हल्का सा आगे बेंड रहना है इसमें। आज का हमारा वर्कआउट यहीं तक था। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस चैनल को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए वर्कआउट के साथ में। अब तक के लिए नमस्ते।